अच्छा ये मैं बात करूं 2024 का इलेक्शन नजदीक है तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। ये सारी चोरों की पंडली एक तरफ हो गई है क्योंकि एक चौकीदार बैठ गया है, उसने सबकी नकेल कस रखी है। अब ये चोरी नहीं कर सकते, जितनी पार्टियां हैं अब ये चोरी नहीं कर सकती। मैं तो देख रहा हूँ मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरे भारतवासी तरक्की कर रहे हैं, मैं तरक्की कर रहा हूँ जी। कहीं डिजास्टर होता है सबसे पहले हमारे प्लेन उतरते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कल हम दुनिया से हेल्प मांगते थे, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट पीछे से आके मोदी जी को हाथ लगाता है कि ये मेरा परम मित्र है। मोदी और इंडिया, अमेरिका और इंडिया एक सबसे बड़ी अलायंस है वर्ल्ड की, तो आज जो इतना खतरा है। नहीं तो चाइना, हमने 50 लाख एकड़ जमीन जवाहरलाल नेहरू ने फ्री में दे दी, आज हम उसको भी छीन के हाथ बैठे हैं। चाइना की हिम्मत ही हमारे पर हाथ भी लगा सके। आज पाकिस्तान गुर्राता है, पाकिस्तान भी ठप बैठा हुआ है। ये जो मोदी जी है ना, तभी पाकिस्तान की हालत हुई है, कंगला हो चुका है कंगला। नहीं तो 200 ट्रक जम्मू कश्मीर से फ्री में निकलते थे पाकिस्तान में, खाने पीने को फ्री जाता था। अच्छा राहुल जी कहते हैं कि जनता के हित में कुछ हुआ नहीं है, ये जो सरकार है वो बांटने का काम कर रही है, जनता को बांट दिया। जनता खुश है, जनता कमा रही है। राहुल जैसा बंदा जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, उसका सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी है, कोई दिमाग नहीं है उसके पास बात करने के लिए। पद यात्राओं से कुछ नहीं होता, हिंदुस्तान जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहा है और कोई भी नहीं है। बाकी सब के खानदान हैं जो अरबों खरबों कमा रहे हैं, ना मोदी का लड़का है, ना लड़की है, ना बीवी है, ना कोई खानदान है, किसके लिए कमाएगा? ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमारे विश्व में नहीं मिला जिसने आज तक एक छुट्टी नहीं की कभी जिंदगी में, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये सब अपनी दुकानें बचाने के चक्कर में बैठे हैं कि अपनी दुकानें इस चौकीदार से बचा ले, नहीं तो चौकीदार ने सबको डंडा देना है, सबको अंदर करना है। आज जा रहे हैं ना सारे के करके, जिसने भी अरबों रुपये का उन्होंने हमारा नुकसान किया, ये लिक्वर पॉलिसी लेके आए और जो ये सारी पॉलिसी थी जो गलत थी प्रूव हो गई। आज ईडी पंजा कसती है इनके ऊपर, तो ये कहते हैं मोदी जी सबको तंग कर रहे हैं। मोदी ने कहा मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी का भी हो, जो खाएगा वो अंदर जाएगा ही जाएगा। जितने दिन से आया 365 दिन काम करता और 3 घंटे ही आराम करता है, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर चाहिए मेरे को? मेरे को तो हमेशा यही चाहिए, हमको मोदी चाहिए, हमेशा मोदी चाहिए।